फ्रेंड, सबसे पहले आप देख लीजिए मेरा फोन एकदम ठीक ठाक से काम कर रहा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथली मेरा फोन अभी वर्क कर रहा बट है। फ्रेंड्स अभी आप देखिए मेरा डिस्प्ले जो है कितना अजीब हो गया है, बार बार कलर फ्रिंग कर रहा है। ऐसा अगर आपके साथ भी होता है तो कोई भी आपको सजेशन दे देगा कि आपका डिस्प्ले जो है खराब हो चुका है, आप कस्टमर केयर में दिखाइए या फिर किसी का मोबाइल रिपेयर शॉप में ले जाइए, तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। आपका डिस्प्ले में कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब कुछ जो है ना सेटिंग का खेल है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए मेरा डिस्प्ले जो है बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कोई भी आपको सजेशन दे देगा कि आपका डिस्प्ले जो है खराब हो चुका है। आप कोई भी ऐप ओपन करेंगे या फिर कुछ भी करते हैं तो आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, आपको सिर्फ नेगेटिव फोटोज वीडियोज देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये भी एक तरह का सेटिंग है, आप इस चीज से बिल्कुल भी मत डरिए। फ्रेंड्स हर एक स्मार्टफोन में कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो अगर ऑन हो जाते हैं तो आपका डिस्प्ले जो ऐसा कुछ दिख सकता है, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट हो जाना, कलर ब्लिंक होना, ऐसा हो सकता है। फ्रेंड्स आप ये सब चीज अगर आपके साथ होता है तो बिल्कुल मत डरिए। आप पहले ये सब चीजों को आप देखिए, ऐसे सेटिंग्स को आप देखिए, अगर आपका ठीक नहीं होता है तभी आप जो है कस्टमर केयर या फिर किसी मोबाइल स्टोर में दिखाइए। अगर आप उससे पहले दिखा रहते तो वो लोग ना एकदम लुटेरे किस्म के होते हैं। अगर आपको फोन पे हाथ दिए नहीं कि 300 रुपया आपको देना होगा। अगर आप ये सब चीजों से आपका फोन ठीक कर सकते हैं तो पहले ठीक कर लीजिए। फ्रेंड्स आपको और एक चीज मैं बता देता हूँ, ऐसे करके आप अपने दोस्तों के साथ भी प्रैंक कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं है, बहुत सभी लोगों को ये चीज जो है पता है। चलो हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल और आप देख रहे हैं टेक्नोमाइंड उज्जवल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स और आप 2-3 मिनट के लिए टेक्नोमाइंड उज्जवल चैनल को अगर आप देखते रहेंगे तो इस सेटिंग के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी डिस्प्ले की हालत ऐसा हो गया है, कुछ ऐसा कलर ब्लिंक कर रहा है, तो आपको सबसे पहले चीज ऑप्शन को चेक करना चाहिए। उसके लिए आप सेटिंग ऑप्शन को ओपन कर लीजिए और सेटिंग ऑप्शन को ओपन करने के बाद आप डेवलपर ऑप्शन को ओपन करना होगा। इसके लिए मैं एडिशनल सेटिंग पे जा रहा हूँ, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन मेरा आ जाएगा। अगर आप Xiaomi फोन यूज करते हैं तो ऐसा करके आपका डेवलपर ऑप्शन जो ऑन हो जाता है, बट अगर आप किसी और कंपनी की फोन यूज करते हैं तो आप सिंपली अबाउट फोन में जाइए, उसके बाद बिल्ड नंबर के ऊपर 7 बार टैप कीजिएगा तो आपका डेवलपर ऑप्शन जो है ऑन हो जाएगा। तो फिर डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाने के बाद आप नीचे चले जाइए। नीचे जाते 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 आप यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, शो सरफेस अपडेट। ये ऑप्शन अगर आपका ऑन रहेगा तो ऐसे ब्लिंक होता रहेगा। इस ऑप्शन को मैं अगर ऑफ कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा ब्लिंक होना जो है ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल नॉर्मल डिस्प्ले जो लग रहा है। आप मैं इसको फेस से ऑन करके आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरा फेस से जो ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपका फोन ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव हो गया है तो सबसे पहले आपको सेटिंग ऑप्शन ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको अगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पता है आपके फोन में कहाँ पे है तो आप वो खोल लीजिए, या फिर आपको पता नहीं है तो आप सिंपली सर्च पे जाके एक्सेसिबिलिटी लिख के सर्च कर दीजिए तो ऊपर आपका एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन आ जाएगा। उसको ओपन कर लीजिए, उसको ओपन करने के बाद आप नीचे यहाँ पे सबसे नीचे चले जाइए तो आपको कलर इन्वर्सेशन करके एक ऑप्शन मिलेगा। इसको आप अगर ऑफ कर देते हैं तो आपका स्क्रीन जो है पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऑन करता हूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव हो जाते हैं और ऑफ कर देता हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि आपका स्क्रीन की क्वालिटी थोड़ा कम हो जाए, इससे आप अपने फोन के बैटरी को बहुत ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। इसमें आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सेटिंग्स के बारे में आपको पता था या नहीं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।